हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, फ्रीजिंग पेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फ्रीजिंग पेंस कैसे काम करता है। जैसा कि आप लोग नाम से ही सुन रहे होंगे, फ्रीजिंग मतलब फ्रीज मतलब जमा देना। ठीक है, तो फ्रीज ये उस पोर्शन को फ्रीज कर देता है जो आप चाहते हैं कि शीट में दिखे, जब आप शीट को ऊपर नीचे करें या बगल में स्क्रॉल करें। ठीक है, तब आप जो चाहते हैं कि वो फ्रीज रहे, वो चीज दिखे तो वो दिखेगी। जैसे मान लीजिए हम इस समय अगर शीट को नीचे करें तो ऊपर टेबल बनी है तो टेबल नहीं दिख रही, या टेबल की हेडिंग हम चाहते हैं तो वो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम स्क्रॉल कर लेंगे बैक, ठीक है, और इसको इधर कर लेंगे तो टेबल की हेडिंग है, आपके चैप्टर की हेडिंग है। ठीक है, आइए हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट हमको करना पड़ेगा कि हमें क्या शो कराना है, क्या चीज़ हमें फ्रीज करनी है। तो जो रो आपको फ्रीज करनी है उसके नीचे वाली रो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमें ये एम्प्लॉयज नेम करानी है, रो 4 फ्रीज, तो हम ये रो 5 पे क्लिक कर लेंगे। और जो सेल आपको करनी है, कॉलम या सेल, तो वहां तक सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम कहाँ तक कर लेंगे, सैलरी तक। ठीक है, हमें क्या चाहिए, रो 4 चाहिए और डी तक चाहिए, रो 4 और आपका कॉलम क्या, डी, ये हमें फ्रीज चाहिए। हम फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे और फ्रीज कर देंगे। देखिए अब एक लाइन बन गई होगी, ये देखिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, अब आपका ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये सब क्या होगी, फ्रीज हो गई। देखिए मैं स्क्रॉल नीचे करूँगा, ये अब मान लीजिए टेबल बहुत बड़ी है, हम नीचे तक आ गए। ठीक है, तब भी हमें क्या पता चलेगा कि पहले कॉलम में हमारा क्या है, नेम, दूसरे कॉलम में डिपार्टमेंट, तीसरे कॉलम में जोन और चौथे में सैलरी। ठीक है, फ्रीज पेन ऐसे काम करता है। हमने क्या किया, हेडिंग को फ्रीज कर दी। ठीक है, जितनी भी हेडिंग थी उसको क्या किए, फ्रीज कर दिए, ताकि हम कभी भी स्क्रॉल करें नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ जब कभी भी स्क्रॉल करें तो हमें हेडिंग क्या है, दिखती रहे। तो जिससे क्या है, हमें पता रहेगा कि पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में क्या क्या है। ठीक है, अब फ्रीज हो गई। अब आप इसे हटाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, फिर फ्रीज पेंस पे जाएंगे और पहले वाले पे अनफ्रीज पेंस लिखा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आपका जो भी फ्रीज था वो हट गया है। अब आप देखिए स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपका पूरा टेबल चला जाएगा हेडिंग के साथ ऊपर। ठीक है दोस्तों, आइए और देखते हैं इसमें क्या है, दूसरा क्या है, फ्रीज टॉप रो। ठीक है, तो आपके टॉप रो क्या है, 1, ये है 1 वाली, तो अगर हम अभी फ्रीज कर देंगे तो वो 1 फ्रीज हो जाएगी। देखिए अब जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, देखिए 1 आपको रो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, और बाकी उसके नीचे जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं वो हो रहा है। 1 के बाद क्या है, 65, 66, 67। ठीक है, ऐसी तरह है, देखिए जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे अब 203, 204, 205, 206, 207, पर आपका पहला रो जो है 1, वो क्या है, आपका फ्रीज है। इसको भी हटाने के लिए सिंपल फ्रीज पेंस पे जाएंगे और अनफ्रीज कर देंगे। ठीक है, अनफ्रीज हो गया। देखिए अब आप नीचे करेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा पूरा, आपका क्या कहते हैं, पूरा पूरा वर्कशीट जो है वो आपका स्क्रॉल होगा। ठीक है, आइए इसमें एक चीज और था, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम क्या है हमारा, ए, तो जैसे ही इसको फ्रीज करेंगे, ठीक है, नीचे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपका वैसे ही स्क्रॉल होगा। ठीक है, पर कॉलम के लिए क्या होता है, राइट या लेफ्ट, तो अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए हम इसको इधर ड्रैग करते हैं, देखिए जितना हम ड्रैग कर रहे हैं, हमारा क्या है, पहला कॉलम जो है ए वाला, वो आपका लॉक है, फ्रीज है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम आपका फ्रीज है, और बाकी क्या है, जितना भी था आपका बी सी डी ई एफ जी एच आई, वो सब क्या हो रहा है दोस्तों, स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसको भी अनफ्रीज करने के लिए फ्रीज पेंस अनफ्रीज पेन कर देंगे। आपका अनफ्रीज करने के बाद जैसे सब चीज रहेगा वैसे ही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।